हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। विलेज ब्लॉग माला चैनल में आप लोग स्वागत है। छोटे भाई बहन को सर प्यार, बड़े भाई बहन और माता पिता को नमस्कार। दोस्तों, अभी सुबह का 8 बज रहा है। हम अभी गाय को हम अपने खाना दे चुके थे आगे से भी, और अभी हम इसे पानी पिला देती हूँ गाय और बच्चे को। उसके बाद मैं खाना अभी दे देती हूँ। घास का कुट्टी और गेहूँ का भूसा और दाना मिला देती हूँ। आगे भी इसे हम खाना दे चुके हैं दोस्तों। आप लोग को हम इस पे, गाय पे और दो भाई पे छोटा मज़ेदार और कॉमेडियन कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। आप लोग सुनिए मेरे कहानी और वीडियो में बताइएगा कैसा ये कहानी लगे। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर और कमेंट कर दीजिए। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए किस तरह ये बाछी मेरी गाय का बच्चा, ये भी माँ बनने वाली, गाय भी माँ बनने वाली है दोनों। देखिए नहीं दे रहा है, नहीं मिलाने दे रहा है, जल्दी से हरी हरी खा जाएगा दोस्तों ये। इसलिए हम देखिए आ गए हैं गाय का उपला बनाने। आप लोगों को काम करते करते आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा कहानी सुनाती हूँ। एक एक गाय थी और दो भाई था। गाय को एक चालाक था तो गाय को बांटा, मैंने अलग अलग, तो बोला बड़े वाला चालाक था सो बोला से हम पीछे से लेंगे और बुड़बक को उसे आगे से दिया। तब बुड़बक था उसे खिलाना पड़ता था और वे चालाक था सो गाय को दूध लेता था और गोबर भी हो जाता था, दूध भी हो जाता था। और बुड़बक को बोला से कैसे हम इसे दूध खिलाते पिलाते हमें, और दूधता हुआ है गोबर भी उसका लेता है, गोबर काम में आ जाता है, दूध भी खा लेता है और हम खिलाते। तो एक दिन हुआ, दूसरे दिन वे गया और बड़े भाई जो चालाक था वो दूहने गया, दूध निकालने गया गाय को। तो वे क्या क्या, बुड़बक था तो छोटा भाई, वह क्या क्या अपने इधर से खाने के लिए दौड़ छट से डंटे से खाने को छीन लेता था और छीन लेता था, हरका देता था। तो गाय कूदने लगता था, गाय दूध नहीं निकालने दे देता था। इसी तरह एक दिन दो दिन हुआ, इसलिए गाय किसी को अपने समय में, किसी को अपने जगह दूसरे को बुरा पूर्वक नहीं समझना चाहिए और कभी भी नहीं। और आप लोग को ये कहानी अच्छा अगर लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में आप लोग को बहुत सी कहानी, प्यारी सी, बहुत फनी कॉमेडी कहानी सुनाऊंगी। इसलिए अब हम दूसरे भी काम कर रही। देखिए दोस्तों, जमाइन अजमाइन है, इसका मैं पेड़ था उसे भी मजकर निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं इसे डगड़े के सहारे फटक देती हूँ गर्दा, जितना भी धूल होगा वो हट जाएगा। उसके बाद हम इसे निकाल लेते। सब्जी में भी इसे यूज किया जाता है, जो भी सामान हो, बहुत चीज़ में, अगर पेट में गैस उस बन जाता है तो पर भी खाया जाता है अजवाइन। देखिए अब इसके बाद हम अजवाइन फटक कर रख लिए। उसके बाद हम ये मिट्टी का चूल्हा को हम साफ कर ले। आज हम सुबह नहीं कर पाए हैं, बहुत काम था, इसलिए अब खाना बनाने के बाद मैंने आज, मैं कल सुबह ही की थी पुताई और आज मैं खाना वाना बनाने के बाद, गाय को खिला देने के बाद हम, मैंने चूल्हे को पुताई कर रही हूँ। ये दोस्तों मेरा ये चूल्हा, आप लोग को अब इसका वीडियो भी बना कर डाली हूँ। आप लोग को वीडियो, आप लोग को ये चूल्हे का डिज़ाइन आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट भी बताइएगा। मैं पूरे घर पोत लेती हूँ मिट्टी मिट्टी से, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर अगले वीडियो में अगले कहानी लिख
अगला कहानी लेकर मैं आऊँगी, भी बहुत बहुत अच्छी सी। और भी बाहर भी बरसात के कारण हमारे गांव में बरसात हुई थी हमारे इधर, तो ये पुताई डिजाइन बनाए थे, तो बरसात के कारण उदास हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो हम इसे पोत लेती हूँ। और फिर आज की वीडियो में नहीं पाई हूँ, मेरे इधर नहीं, थक गई हूँ इसीलिए काम करते करते, तो आज मैं इस पर डिजाइन नहीं बनाई हूँ, मैं कल इस पर डिजाइन बनाऊँगी। तो आप लोग को, लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी हम बनाकर आप लोगों को कल की वीडियो में दिखाऊंगी डिजाइन। फिर इस साइड भी मैं आ गई, इसको भी पूरे तरह से पोत देती हूँ, उदास हो चुका था इसलिए पोत दी हूँ। फिर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो